हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे विलियम वॉर्ड्सवर्थ की बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है टिंटरनेबे। टिंटरनेबे की बात करेंगे। इसका शॉर्ट नेम है टिंटरनेबे, इसको डिटेल में फुल नेम है इसका लाइन्स रोट अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटरनेबे। ये टिंटरनेबे है, ये एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है। ये जो पोएम है, ये जो विलियम वॉर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज का जो जॉइंट वर्क था, लिरिकल बैलेट जो 1798 में आया था, उसी टाइम रोमांटिसिज्म की शुरुआत हुई थी, तो उसमें ये पोम थी। और ये लास्ट थी, जो फर्स्ट थी लिरिकल बैलेट की वो थी राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर एसटी कॉलरीज की, और ये लाइन्स रोट अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटरनेबे ये विलियम वॉर्ड्सवर्थ की थी और ये उसकी लास्ट पोम थी। लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबाउट द टिंटरनेबे इज अ पोम बाई विलियम वॉर्ड्सवर्थ इन जुलाई ऑफ 1798 एंड इट वॉज द लास्ट पोम इन हिज लिरिकल बैलेट। वॉर्ड्सवर्थ पोम टॉक्स अबाउट लव, नेचर एंड फ्रेंडशिप। वॉर्ड्सवर्थ स्टार्ट्स द पोएम बाय नरेटिंग हिज विजिट टू द डेजोलेट एबे अलोन बिफोर हिज सिस्टर विजिट टू द सेम प्लेस इन द कंपनी ऑफ हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ। इसमें क्या होता है कि ये एक जगह का नाम है टिंटरनेबे। तो 5 ईयर बैक जब वर्ड्सवर्थ आए थे तब तो वो अकेले थे, लेकिन इस बार वो अपनी सिस्टर के साथ आए हैं। ही डिस्क्राइब हाउ मेमोरेबल ही फेल्ट बींग बैक एट द सेम प्लेस इन द कंपनी ऑफ समबडी ही लिव्ड। तो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो फिर से आए हैं और इस बार अपने एक ऐसे पर्सन के साथ आए हैं जिसको वो बहुत प्यार करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ, इनमें बहुत प्यार था आपस में। विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम लाइन रिटर्न्स अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटरनेबे इज अबाउट नेचर, फेमिलियर लव एंड डेथ। ही लुक्स बैक ऑन द पास्ट 5 ईयर्स दैट हैव गोन बाई सिंस हिज फर्स्ट विजिट टू द प्लेस एंड रिमेंबर्स हाउ मच द मेमोरी ऑफ दिस सीन मीन टू हिम वेन ही वॉज कूप्ड अप इन द सिटी। तो इसमें क्या बताया गया है कि जब वो 5 ईयर बैक आए थे तो उनको बहुत अच्छा लगा था, उनकी जो मेमोरीज थी उसी की वजह से वो मतलब बहुत हैप्पी फील करते थे। कूप्ड अप का मतलब होता है एक इस तरह का स्पेस सिटी के अंदर जो बहुत ही स्मॉल हो, एक तरह से आप उसमें कैद हो। तो ऐसी जगह पे जब मैं इन मेमोरीज को याद करता था तो इन्होंने एक तरह से मुझे पागल होने से बचा लिया। मतलब बहुत ही नेचर की ब्यूटी की जो नेचर की ब्यूटी है उसका जो डिस्क्रिप्शन था वो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसी की मेमोरीज को याद कर करके मैं उस सिटी में एक भीड़ भाड़ सी वाली जगह में रह पाया। नाउ दैट ही इज फाइनली बैक इन द सेम स्पॉट अगेन ही फाइंड्स हिमसेल्फ लुकिंग आउट एट द लैंडस्केप एंड एक्सपीरियंसिंग एन ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ हिज प्रेजेंट इम्प्रेशंस, द मेमोरी ऑफ वट ही फेल्ट बिफोर एंड द थॉट ऑफ हाउ ही विल लुक बैक ऑन दिस मोमेंट इन द फ्यूचर। ही इमेजिन दैट ही विल चेंज एज टाइम गोज बाय फ्रॉम वट ही वॉज ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विजिट। इसमें वो ये बताते हैं कि जब मैं पहले आया था तब मैं मतलब कम एज का था और बच्चा था, मतलब नेचर की ब्यूटी उस टाइम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बट मैं बस उसी ब्यूटी को ही समझ पाता था। लेकिन अब जब मैं सिटी में रह के थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, थोड़ा मैच्योर हो गया हूँ, 5 ईयर बाद में आया हूँ, तो अब मुझे मैं उसको समझ भी पा रहा हूँ और पूरा अच्छी तरह से उसको मतलब डीपली समझ पा रहा हूँ उसको। पहले तो मैं सिर्फ नेचर की ब्यूटी को देखता और उसको ऑब्जर्व करता, अब उसका जो मीनिंग है मतलब हर चीज़ को समझ पा रहा हूँ एक अलग पर्सपेक्टिव से। नाउ दो ही इज़ लर्न हाउ टू लुक एट नेचर विद अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, ही डज नॉट जस्ट लुक एंड से होली काउज द व्यू फ्रॉम अप हियर इज प्रिटी ऑसम एंड देन रन बाउंड्रिंग ओवर द माउंटेन्स अगेन। इन अदर वर्ड्स ही यूज टू एन्जॉय नेचर बट ही डिड नॉट फुली अंडरस्टैंड इट। तो वो पहले था तो नेचर को एन्जॉय करता था पर इसको फुली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था। नाउ ही लुक्स एंड इज एबल टू सेंस अ डीपर वाइडर मीनिंग टू द ब्यूटी इन नेचर। ही सी दैट एवरी थिंग इन नेचर इज इंटरकनेक्टेड। इट टर्न वर्ड आउट वर्ड्सवर्थ सिस्टर इज विद हिम ड्यूरिंग हिज प्रेजेंट टूर ऑफ द एरिया। तो इसमें क्या है कि अब जो वर्ड्सवर्थ की सिस्टर है वो उसके साथ है, तो वो इसमें ये बता रहा है कि वो भी मेरी तरह अब एक किड है और जैसे मैं पहले नेचर को सिर्फ देखता था उसको एन्जॉय करता था, वो भी उसी तरह से उसको देख रही है और एन्जॉय कर रही है। ही इमेजिन हाउ हिज सिस्टर विल गो थ्रू द सेम डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन दैट ही डिड। वन डे शी विल बी एबल टू लुक आउट एट नेचर एंड इमेजिन द इंटरकनेक्टनेस ऑफ थिंग्स टू। देन ही इमेजिन्स हर कमिंग बैक टू द सेम स्पॉट हियर इन द फ्यूचर आफ्टर ही इज डेड एंड रिमेम्बरिंग द टाइम शी केम हियर विद हर ब्रदर। तो वो कह रहा है कि जब अभी तो ये किड है और जब मैं 5 ईयर बैक आया था उसी सिचुएशन से उसी सिचुएशन में है ये कि सिर्फ नेचर की ब्यूटी को एन्जॉय कर रही है, लेकिन ये जब बाद में आएगी, जब मेरी डेथ हो जाएगी उसके बाद जब आएगी, तो ये अब जो हम दोनों साथ में आए हैं उस टाइम को याद करेगी और मतलब ज़्यादा ब्रॉडर सेंस में इसको समझ पाएगी कि जब आप एक अकेले आना क्या होता है और एक अपने जिससे आप बहुत प्यार करते हैं उसके साथ आने में क्या फ़र्क होता है। तो यही इसकी समरी है। टिंटरनाबे काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।